अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता के किस स्वरूप की उपासना की जाती है और इनकी उपासना से क्या लाभ होता है। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बड़ी अच्छी मानी जाती है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत अनुकूल होती है। इस बार माँ के दूसरे स्वरूप की यानी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना 26 मार्च को की जाएगी। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। अब ये जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की सामान्य पूजा विधि क्या है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने, माँ को सफेद वस्तु में अर्पित करें जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। वैसे माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा। और जब भी आप माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करें, साधना करें, तो आहार पर बहुत ध्यान दें। जलीय आहार और फल ग्रहण करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। ये प्रयोग नवरात्रि के दूसरे दिन यानी इस बार 26 मार्च को करें। देवी को सफेद फूल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। देवी को चांदी का अर्धचंद्र भी अर्पित करें और इसके बाद चंद्रमा का जो मंत्र है, ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108x3 बार जप करें। अब अर्धचंद्र को लाल धागे में डाल करके गले में धारण करें। आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी, चंद्रमा संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को कौन सा विशेष भोग, विशेष प्रसाद अर्पित किया जाएगा। दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को बांट दें। सब लोगों की आयु में वृद्धि होगी, सबका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तो आज हमने बात की नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप के बारे में यानी माता चंद्रघंटा के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके धन की स्थिति बहुत खराब हो गई हो तो क्या करेंगे, नवरात्रि में किसी भी दिन एक पानी वाला नारियल ले लीजिए। नहा करके बैठिए माँ दुर्गा के सामने, इस नारियल को अपनी गोद में रख लीजिए। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए और जब जप कर लें उसके बाद जल्दी से जल्दी ले जाकर इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी दरिद्रता दूर होगी।